डिवाइन आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी में से एक हैं, जिनके गानों की वजह से एक नया कल्चर उभर कर सामने आया है। इस वीडियो में हम आपको डिवाइन की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर एक, डिवाइन का रियल नेम विवियन फर्नांडिस है और इन्होंने अपना स्टेज नेम डिवाइन रखा। डिवाइन का कहना है कि मेरी ग्रैंड मदर मुझे रोज चर्च लेकर जाया करती थी, तो उन दिनों मुझे डिवोशनल राइम लिखना बहुत पसंद था और वहीं पर मैंने अपना स्टेज नेम डिवाइन रखा। फैक्ट नंबर टू, डिवाइन का चाइल्डहुड मुंबई के सिलम्स में बीता है, जहां उनके पेरेंट्स के बीच मैरिज प्रॉब्लम हुआ करती थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके फादर अल्कोहलिक थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियली उनके घर में बहुत प्रॉब्लम थी। उसके बाद उनकी मदर ने ही फैमिली की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, जिसके लिए उन्हें वर्किंग वीजा पर मिडिल ईस्ट शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ वह जॉब करने लगी। डिवाइन की मदर पैसा भेजा करती थी, जिसके बाद उनकी फैमिली ने सहारा सिलम्स में एक घर खरीदा, लेकिन डिवाइन के फादर ने उसे भी बेच दिया और आधे पैसे डिवाइन को और आधे उनके भाई को दे दिए, जिसके बाद डिवाइन के फादर उनकी लाइफ से हमेशा के लिए कट ऑफ कर गए। फैक्ट नंबर थ्री, अपने काम में प्रॉब्लम के चलते डिवाइन को अपनी ग्रैंड मदर के घर शिफ्ट होना पड़ा, जहां से उन्होंने हिप हॉप में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। हुआ कुछ यूं कि 2004 में डिवाइन ने अपने दोस्त की टी शर्ट पर एक पिक्चर देखी, जिस पर एक अमेरिकन आर्टिस्ट 50 सेंट की तस्वीर बनी हुई थी। तो डिवाइन ने अपने दोस्त से 50 सेंट के बारे में पूछा, तो उसने 50 सेंट और एमिनेम के बारे में उन्हें बताया, जो उस टाइम बहुत पॉपुलर चल रहे थे, और उनके गानों की एक एमपी3 सीडी भी दी। गाने सुनने के बाद डिवाइन पॉप कल्चर से बहुत इंस्पायर हुए और उनका रैपर बनने का सफर यहीं से शुरू हो गया। फैक्ट नंबर फोर, नैज को सुनकर डिवाइन ने भी अपनी लाइफ और गली के बारे में लिखना शुरू किया। 2013 में डिवाइन अपना पहला गाना वॉइस ऑफ स्पीच यूट्यूब पर रिलीज कर दिए। उन दिनों डिवाइन सिर्फ इंग्लिश में ही रैप किया करते थे। फैक्ट नंबर फाइव, पहले गाने के बाद डिवाइन को ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, पर उन्हें रियलाइज हो गया कि जिस तरह के वह गाने लिख रहे हैं, उस तरह की ऑडियंस उन गानों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि उनके गानों की लैंग्वेज इंग्लिश है। फैक्ट नंबर सिक्स, और उसके बाद से ही डिवाइन ने हिंदी में लिखना शुरू किया और अपनी दूसरी म्यूजिक वीडियो ये मेरा बॉम्बे को रिलीज किया, और उनका ये गाना पिछले गाने से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और इस गाने को 2014 में रोलिंग स्टोन इंडिया ने बेस्ट म्यूजिक वीडियो का अवार्ड भी दिया। फैक्ट नंबर सेवन, 2015 में डिवाइन के करियर का ब्रेक थ्रू सॉन्ग मेरी गली में आया, जिसमें इन्होंने नेजी के साथ कोलैबोरेट किया था। इस गाने की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान दोनों ने एक गाना गाया, जिसके बाद इन्हें सोनी म्यूजिक ने प्रपोज किया और कहा कि ये गाना वे उनके लेबल के साथ लॉन्च करें। डिवाइन के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन दिनों इंडिया के बड़े म्यूजिक लेबल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को इस तरह प्रमोट नहीं किया करते थे। डिवाइन का सॉन्ग उन्हें इतना पसंद आया कि सोनी म्यूजिक डिवाइन को ऑफिशियली साइन कर लिए, जिसके बाद इन्होंने जंगली शेर और फर्क रिलीज किया। फैक्ट नंबर एट, डिवाइन अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट अपनी मदर को देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी एजुकेशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। पॉपुलर होने के बाद उन्होंने अपनी माँ को मिडिल ईस्ट से वापस आने के लिए कहा और साथ ही इंश्योर किया कि अब उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर नाइन, डिवाइन से जब हनी सिंह के म्यूजिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो हनी सिंह करते हैं वह रियल हिप हॉप नहीं है, वह बॉलीवुड का कोई अपना ही जॉनर बनाते हैं, जिसमें लड़की, दारू, गाड़ी ये सब दिखाया जाता है, जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। जो लोग इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं उनके लिए सही है, पर मैं कोशिश करूँगा हमेशा अच्छे गाने ही सामने लेकर आऊँ, क्योंकि आज मैं जिस टाइप के गानों की वजह से हूँ तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। फैक्ट नंबर टेन, इंडिपेंडेंट काम करने के लिए डिवाइन ने सोनी म्यूजिक को छोड़कर खुद का अपना एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया, गली गैंग के नाम से। इसके बाद इन्होंने अपना डेब्यू एल्बम वन साइड अपने इसी लेबल के अंडर रिलीज किया। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें अपने लाइक और कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखते रहिए द डेविल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।